अस्सलामुअलैकुम। हम आए हैं जी अभी एथिन। एथिन जो है ना यूनान का एक बहुत बड़ा शहर है, जहाँ पे मेनिन का जो किला था इसके पीछे है, जहाँ से ये सारे रोमन्स को जो है ना इसका हुकूमत किया करते थे। ये मस्जिद है उस्मानिया खिलाफत उस्मानिया के दौर की। ये उन्होंने बनाई थी तकरीबन 1700 के आसपास, जिस वक्त उसने पता किया था, तो उस वक़्त उन्होंने आके इसका नाम रखा था फतेह अमास। मतलब इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि इसका नाम फतेह अमास है। तो ये पीछे इनकी अक्रोपोली, वो जो हमारी पिछली वीडियो आप उसमें देख सकते हैं, जो इनका मेन जो चर्च था वो फतेह करने के बाद उन्होंने ये मस्जिद बनाई थी। तो अभी तो ये मस्जिद इन्होंने ख़त्म कर दी है, इसको एज अ म्यूज़ियम बना दिया। लेकिन जिस वक्त अभी तो वापस उन्होंने जब इन लोगों का आपस में जंग हुई थी दोबारा ग्रीक की, तो यूनान वालों ने तो इनको इसने वापस ले लिया था। अभी एज अ मस्जिद तो नहीं है, लेकिन यह है कि एज अ म्यूज़ियम इसको जो है ना इन्होंने खोला हुआ है। तो बाकी वीडियो में आप जो है ना डिटेल इसकी देख सकते हैं। ये जी मस्जिद है, तो इसके बिल्कुल सामने ये एक टावरनुमा बिल्डिंग थी, ये उस वक़्त का चर्च था। तो इसको कुछ अरसा उन्होंने एज आ चर्च इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने एज आ तकिया इसको अपना ज़िक्र वगैरह करने के लिए, दरवेश जो लोग थे जो तुर्की का स्टाइल है, उन्होंने ऐसा इसको तकिया के तौर पे इस्तेमाल किया था अपना ज़िक्र और हदरा जो करते हैं उसके लिए। तो इस वजह से इसके अंदर दुरूद शरीफ, अल्लाह का नाम, मोहम्मद का नाम, ये थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। इतना ख़ास नज़र नहीं आता क्योंकि अभी तो मिट गया, क्योंकि 15वीं सदी से अभी तक काफ़ी टाइम हो गया है। तो इसको ऐसा उन्होंने तकिया के तौर पर इस्तेमाल किया था बैठ के। तो ये बिल्कुल वो मस्जिद है, मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट है। तो ये इनकी खंडरात है एथिन में जब इन्होंने कब्ज़ा किया था। तो यहाँ पे मीनार हुआ करता था, इधर वो चढ़ के तो अजान देते थे। अभी तो उसके सिर्फ आसार बाकी हैं, लेकिन यहाँ पे एक लंबा मीनार था जिसके ऊपर चढ़ के वो अजान देते थे। ये मस्जिद का ही हिस्सा है।